नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। स्वागत है आपका डीएनएन के खास कार्यक्रम भविष्य के सितारे में, जहां हम आपको भविष्य के सितारे में बताएंगे आपके सप्ताह का हाल, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी स्वागत है आपका। जी पंडित जी, सावन मास चल रहा है, इस उपलक्ष्य में सबसे पहले तो आपसे चार राशियों का, शुरुआती चार राशियों का हाल जानना चाहूंगे। इस सप्ताह कैसा रहेगा इन राशियों के लिए? 12 राशियों में यह जो सप्ताह है बड़ा रोचक और बड़ा कौतूहल भरा जो है फल देगा। मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बनती है जिसकी वजह से उनके चित्त में भ्रम होगा और चित्त में भ्रम के कारण कहीं ना कहीं विवाद या हानि होने की संभावनाएं बन सकती हैं। व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में आपको अनुत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो ध्यान रखें, अपने कार्य को करते समय विशेष सावधानी रखें। दुकान में या व्यावसायिक क्षेत्र में चोरी होने का भय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पति और पत्नी के बीच में बहुत ही मधुर सुमधुर संबंध रहेंगे। दाम्पत्य जीवन या दाम्पत्य काल आपका बड़ा आनंद और परम हर्ष के साथ में व्यतीत होगा। संतान के क्षेत्र से आपको शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। वृष राशि के जो जातक हैं उन्हें बड़े सफलताओं के साथ में जिम्मेदारियों का भार वहन करना होगा। परिवार में आए हुए कुछ अतिथियों के स्वागत सत्कार में समय व्यतीत होगा। घर परिवार में एक प्रसन्नता का और खुशहाली का माहौल बना हुआ रहेगा। पति और पत्नी की बढ़ती जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तनाव अपने मनोभाव में उत्पन्न करेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं रहेगी, सब कुछ आप अपनी समायोजन प्रवृत्ति के अनुसार निकाल ले जाएंगे। साथ ही संतान के क्षेत्र में यदि देखें तो संतान जो है कुछ विचलित अवस्था में रहेगी, क्योंकि अतिथियों के आने से उनके स्वतंत्र भाव में कुछ ना कुछ परेशानियाँ पैदा होगी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानियाँ वो महसूस करेंगे। व्यापार रोजगार के क्षेत्र में आपका समय ठीक है, अनुकूल है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको सावधानी रखना है कि अपने अधिकारियों का सामना आप कुतर्क के साथ न करें, वो आपके लिए हितकारी रहेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह बड़ा आनंद के साथ में व्यतीत होने वाला है। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो ध्यान रखें कि उन्हें राहु ग्रह के कारण कुछ ऐसे आकस्मिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे जो छद्म से भरे होंगे। उस अवसर को अर्जित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह कितने आपके लिए लाभदायक होंगे, कितने हानिकारक, अर्थात मन से आत्मा से आप जो आत्म मनन करें, आत्मचिंतन करें, उसके पश्चात आत्म निर्णय लें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जहाँ तक दाम्पत्य का प्रश्न है तो मिथुन राशि के जातक अपने परिवार के साथ में कहीं देशाटन या किसी स्थान पर तीर्थाटन आदि पर घूमने की योजना बनाएंगे, लेकिन सावधानी रखें, काल जो है वह विपत्ति का है, इसलिए हमें इसे बचना चाहिए, नहीं तो रोग होने की संभावनाएं बनेगी। संतान के क्षेत्र में मिथुन राशि के जातकों को यदि देखा जाए तो संतान के साथ में मिथुन राशि के जातक होंगे उनके सामान्य संबंध व्यवहार इस सप्ताह में रहेंगे। ना संतान से किसी प्रकार का दुराव होगा, ना बहुत लगाव होगा, सब अपने अपने यथा स्थान पर स्थापित रहेंगे। इसी के साथ में यदि रोजगार के क्षेत्र में हम देखेंगे तो संभवतः आपको कार्य के क्षेत्र में आलस्य के भाव पैदा होंगे, और यदि आप स्त्री जातक हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने कार्यालय में कार्य करते समय अपने किसी सहभागी पर अंधविश्वास न करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के विश्वास पर छोड़ दें और उसका भुगतान आपको भुगतना पड़े। कर्क राशि के जो जातक हैं उनका चंद्रमा चंचल चित्त को बनाए रखेगा। चंचलता आपके मन में रहने के कारण पराई स्त्री के प्रति आप में आकर्षण पैदा होने की संभावनाएं बनेगी। प्रेम प्रसंग के अवसर प्राप्त होंगे और यही वजह से बाग बगीचा उद्यान आदि में घूमने का अवसर भी बनेगा। ध्यान रखें, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में आपकी चंचलता आपको कुछ कष्ट दे सकती है, इसलिए सावधानी बरतते हुए अपने प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में आप अग्रसर रहें। अन्यथा जहाँ तक बने सच्चरित्र के साथ सदकर्म करने के प्रयास करें और दाम्पत्य के प्रति समर्पित रहें। संतान के क्षेत्र में यदि हम देखेंगे तो आपकी संतान आपके पक्ष में रहेगी, आपको संतान से यथोचित लाभ की प्राप्तियां होगी। रोजगार के क्षेत्र में आपका यह सप्ताह बहुत ही उत्तम है, सफलतादायक है।
जी पंडित जी, सावन मास चल रहा है तो किन जातकों के लिए शिव की आराधना विशेष फलदायी होगी और किस प्रकार का उनको पूजन करना चाहिए जिससे उनकी उनके ऊपर शिव की कृपा बनी रहे? देखिए, आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस प्रश्न के साथ में ज्योतिषी आधार पर या सनातन सिद्धांतों के आधार पर देवज्ञ सिद्धांतों श्रुति और स्मृति शास्त्र के अनुसार वेद पुराण के जो वक्तव्य है वाच है उसको यदि हम कहेंगे तो कहीं पर भी कोई भी भक्ति राशि के आधार पर नहीं होती। भक्ति और भाव सदैव सर्वव्यापक होती है, वो जीव के आधार पर होती है। प्रत्येक जीव को अधिकार है कि वह जो है समानता के साथ में भगवान शिव का पूजन करे। शिव जी का जो सिद्धांत है जाति परे लिंग परे, और जाति लिंग के साथ साथ धर्म भी यदि आपका सनातन ना हो और आप शिव का पूजन करते हैं तो वो उस पर भी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जो है संसार में देवों के देव महादेव है। श्रावण मास में प्रत्येक व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि अपने अंगूठे के बराबर, ये जो आपका अंगूठा है इसके बराबर मट्टी का शिवलिंग जो है आप प्रतिदिन बनाएं। श्रावण मास में मट्टी को लें, मट्टी में गंगा जल, दूध, घी, शहद, शक्कर आदि और दही आदि डालकर उसका जो है लेप उसे सान के मट्टी को बनाएं, और उसके बाद शिवलिंग अंगूठे के मान का, अंगुल के मान का बनाएं या चार अंगुल के मान का बनाएं, और बनाने के पश्चात उसका बड़े प्रेम आनंद और भक्ति के साथ में जो है पूजन करें। भस्मी लगाएं, कुमकुम लगाएं, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, बिलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। कुछ लोग तामसिक साधना यदि करना चाहते तो भांग आदि भी चढ़ाएं, और इस प्रकार से जो है भगवान शिव का उसके पश्चात जो जलाभिषेक करें और जलाभिषेक करके आनंद के साथ में उत्सव मनाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। एक बात और आप ध्यान रखिए, कुछ लोग ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पाठ करते हैं, आप जब इनके अक्षरों की गिनती करोगे षडाक्षरी कहलाता है। तो ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय ये दो प्रकार के मंत्र हैं। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है, और इसके अलावा भी आप अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए विशेष मनोरथ की पूर्ति और कामना यदि आपके मन में है तो आप ओम नमः शिवाय ओम अर्थात ओम का संपुट आदि और अंत में करके यदि मंत्र के साथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, या कम से कम 11 माला प्रतिदिन या ना प्रतिदिन कर पाएं तो जब आपके पास अवसर हो, जैसे सोमवार का दिन हो, प्रदोष हो, अष्टमी हो, पंचमी, ऐसी तिथियां जो इनमें यदि आप माला का जप करते हैं 11 माला का इस मंत्र के साथ में, आपके मनोरथों की पूर्ति होती है। और श्रावण मास में सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिए, कल हड़ताली तीज गई है। हड़ताली का तीज संदेश देती है कि हम प्राकृतिक भाव में आए, प्राकृतिक भाव में आए और प्रकृति के सामने सम्मिलन करें। वन में, उद्यान में या घर के बगीचे में आप झूला डालें और उसमें झूलें, और हाथ में महिलाएं मेहंदी मांडे और 16 श्रृंगार करके और मन चित्त को प्रसन्न करें, क्योंकि प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ है इसलिए प्रसन्नता का भाव है। और झूला झूलने से आपको जो यकृत रोग नहीं होता, किडनी की बीमारी नहीं होती, इसलिए जो है महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को झूले का झूलना चाहिए और झूलन का पर्व मनाना चाहिए पूरे श्रावण मास में हड़ताली का, ये हड़ताली तीज के पश्चात। और यहाँ से लगातार जो है फिर आप सावन पूर्णिमा तक यदि प्रतिदिन झूला झूलते हैं तो आपकी निरोग काया होती है। एक तरफ आपकी बहुत धोकनी चलती है, धोकनी चलने की वजह से जो है आपका हृदय यानी जो हृदय है वो मजबूत होता है, उसमें शक्ति प्राप्त होती है, फेफड़ों में ताकत आती है, और इस प्रकार से आप आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। जी पंडित जी, आज विनायक चतुर्थी है यानी गणेश भगवान का दिन माना जाता है, तो किन जातकों को श्री गणेश का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से गणेश जी का पूजन करना चाहिए? देखिए प्रश्न फिर वही कि किन जातकों को, सवाल ये कि प्रत्येक जातक को भगवान श्री गणेश का पूजन करने का अधिकार है। किसी को भी कोई पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। यदि कोई रोकता है तो पंडित पाखंडी है या वो ब्राह्मण जो अधर्मी है। चतुर्थी का व्रत और भगवान श्री गणेश का, देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा संयोग मानते हैं। श्रावण मास शिव का, शिव श्रावण का मास कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव मानसरोवर से पृथ्वी पर आकर अवतरित होते हैं और उनके साथ में माता भगवती होती है, नंदी होता है, उनके पुत्र गणेश और कार्तिकी होते हैं, सपरिवार आते हैं और उसके साथ उनके गण भी होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे नागपंचमी होगी तो कीर्ति मुख का पूजन होगा, नाग का पूजन होता है, नंदी का पूजन होता है, गणेश जी का भी पूजन होगा, कार्तिकेय का भी होगा, पार्वती का भी होगा। हड़ताली तीज पार्वती का पूजन हुआ, हड़ताली का तीज को पार्वती का पूजन होगा, है ना। तो आप देखिए बड़े आनंद के साथ में जो है भगवान शिव के पूरे परिवार का जो है श्रावण मास में पूजन का महत्व, उसमें गणेश चतुर्थी सोने में सुहागा। गणेश चतुर्थी का व्रत जो है प्रत्येक व्यक्ति को उपासना करना चाहिए।
और गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है। इस आधार पर जब वर्ष के पूजन आरंभ होते हैं उसमें तीज के बाद में आप देखेंगे चतुर्थी है, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल सोकर उठे, स्नान ध्यान करें, पवित्र चित्त के साथ में पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य की ओर देखें, चाहे बादलों में ढके हो सूर्य से निवेदन करें, व्रत करने के लिए संकल्प आदि का जो है आज्ञा लें, उसके पश्चात अपने पूजन स्थल पर आएँ, स्वच्छता के साथ में वहाँ पर मंडप का रोपण करें या किसी एक अच्छे वस्त्र को बिछाकर आसन आदि पर भगवान श्री गणेश को सप्तधान्य के ऊपर उनकी मूर्ति को पीछे रखें। रखने के पश्चात जो है फिर पूजन सामग्री की थाली तैयार करें जिसमें कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, गंध और नाना प्रकार के जो जो यजन आप करना चाहते हैं, जो आपके कुल गौरव की परंपरा या धार्मिक परंपरा को स्वीकार करते उसके अनुसार थाली को तैयार करें। लड्डू का भोग जरूर रखिए और ये करने के पश्चात जो है भगवान श्री गणेश का जो है पवित्र मन के साथ में खुशी और उत्साह के साथ में आह्वान करें, पूर्व दिशा में मुख करके श्री गणेशाय नमः आगच्छ 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 ऐसा 3 बार कह के फिर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने से पूर्व उसका अभिषेक करें। अभिषेक करके प्रसन्न चित्त से जिस प्रकार से आप अपना स्वयं का श्रृंगार करते हुए खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं, ऐसे भगवान श्री गणेश का श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के पश्चात जो है उनको मादर का पुष्प बहुत पसंद है या बहुत प्रिय है तो उनको मादर का पुष्प आदि या रक्त पुष्प आदि चढ़ाएं, माला आदि निवेदन करें। पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार ये जो 3 विधि है पूजा की जो आपको उचित लगे, चाहे आप 5 प्रकार के उपचारों से पूजन करें जिसके अंदर आप जो है कुमकुम, तिलक का तिलक, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्पमाला और आरती, ऐसे 5 प्रकार से या 8 यजन या 16 प्रकार के जिस प्रकार से भी आप चाहें षोडोपचार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात जो है फिर भगवान श्री गणेश को जो अत्यंत प्रिय है वो आपको भी बड़ा प्रिय होता है, लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद भगवान श्री गणेश से अपने मनोरथ को सामने रखें। और जहाँ तक आप नवधा भक्ति करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, तो आप निष्काम भक्ति करिए, बिल्कुल मत बोले गणेश जी से आपको क्या चाहिए, क्योंकि भगवान अंतर्ध्यानी अंतर मन को जानने वाले होते हैं, वो आपके अंदर क्या मनोभाव है उसको समझते हैं। आप केवल पूजा करके ये कहिए आखिरी में कि जो मेरे द्वारा व्रत पूजन उपासना आदि की गई है, यह प्रभु यह भक्ति और यह पूजा जो है मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, केवल आप मेरे हृदय में वास करें, भगवान श्री गणेश को हृदय में स्थान दे दें, वास करा दें। ध्यान रखिए हमारे सनातन धर्म की परंपरा में किसी भी देवता को जब आप हृदय में वास कराते हैं तो वो आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करते हैं, क्योंकि सारे मनोरथ हृदय से ही उपज होते हैं, तो वो वहीं की वहीं उनका सम्मान करते हैं, आपको सारे लाभों की प्राप्तियां होती हैं। जी पंडित जी, अब हम अगली 4 राशियों का हाल जानना चाहेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक जो है उन्हें जुआ, सट्टा, द्रुत क्रिया आदि से बचना है, क्योंकि उनके मन में ऐसे भाव पैदा होंगे, अतिशय लालसा उनको जीवन में हानि देने के काल के रूप में उपस्थित है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि बुरी संगत से आपको बचना भी है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन जो है आपका, अपने स्त्री का सम्मान करें, कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, इसलिए एक पक्षकार को दोनों में से किसी को शांत होना होगा। सिंह राशि की स्त्री है तो वो ध्यान रखें कि वो स्त्री जातक अपने आप को संयमित रखकर वार्तालाप करें, उससे उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य के सुख आदि प्राप्त होंगे। संतान का यहाँ क्षेत्र आता है, संतान के क्षेत्र में सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें संतान के लिए कुछ विशेष प्रयास करना होगा जिससे उनके रोजगार के क्षेत्र में उन्हें सफलताएं प्राप्त हो सके, शुभ संदेश रोजगार से संबंधित उन्हें मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। रोजगार आदि को यदि हम देखेंगे तो सिंह राशि के जो जातक हैं चूँकि उनके मन में एक विचलित भाव होगा, द्रुत क्रिया या क्या कहना चाहिए कि अवैधानिक रूप से, अवैध रूप से कहीं से धन कमाने के भाव पैदा होंगे, लालसा पैदा होगी, तो ध्यान रखिए लोभ से बचना है, लालसा से बचना है, तो व्यापार में और रोजगार के क्षेत्र में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। कन्या राशि, कन्या राशि के जो जातक हैं आप ध्यान रखिए आज आपके लिए बड़ा अच्छा दिन और पूरा सप्ताह आज की वजह से अच्छा होगा। वजह यह है कि रविवार का दिन जो है इसमें आप सबसे पहले ध्यान रखें भगवान श्री शिव का पूजन करें और शिव का पूजन करने के साथ साथ विशेष रूप से जो है आप कार्तिकेय का पूजन करें। कार्तिकेय का पूजन करने से जो आपके चित्त में अस्थिरता है, जो ओझ है, जो तेजस्विता पैदा हो रही है वह जो है समुचित होगी और निर्धारित होगी और उसकी वजह से आपको सारे लाभों की प्राप्ति होगी। आपकी प्रवृत्ति को आपको नियंत्रित करना होगा और वो इसके वजह से नियंत्रित होगी। पूरा सप्ताह जो आप बड़े व्यस्त रहेंगे,
हर कार्य की जिम्मेदारी खुद आके आप आगे होकर अपने ऊपर लेंगे, उसे वहन करेंगे, उसे यश गौरव कीर्ति आदि आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए आपके पास समय निकालना मुश्किल होगा। कार्य अधिक की व्यस्तता या कहीं ना कहीं पूजन पाठ व्रत आदि को लेने से आपका दाम्पत्य जो है सामान्य क्रम में रहेगा, लेकिन सुखमय बना रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। यदि आप कोई व्रत उपासना करते हैं तो अपने पति की आज्ञा को लेकर स्त्री जातक व्रत उपासना करें, और यदि पुरुष है तो अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर व्रत उपासना करें, उसका आपको फल प्राप्त होगा। अब संतान का क्षेत्र यदि आपका देखा जाए कन्या राशि के जातक, तो विशेष रूप से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी संतान जो अबोध है उस अबोध संतान के ऊपर कहीं ना कोई कष्ट आ सकता है। विशेष रूप से अग्नि का भय है, इसलिए अपनी संतान को अग्नि से बचाएं या गर्म जल अर्थात गर्म पानी से बचाएं, गर्म दूध के पास न जाने दें, या बच्चों को दूध पिलाएं तो ठंडा करके उनको दें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संतान की सुरक्षा का महत्व बहुत अत्यधिक एक सप्ताह में आपके लिए रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में कन्या राशि के जो जातक हैं ध्यान रखें, यदि आप स्वर्णकार हैं, सोना और चांदी से संबंधित कार्य करते हैं, सजगता आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि चोरी का भय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात को आप ध्यान रखें। विशेष रूप से जो आपके कार्य क्षेत्र में काम करने वाले आपके नौकर हैं या नौकरशाह हैं, इन पर आप कड़ी दृष्टि रखें, ये आपके लिए हितकारी है। लापरवाही बरतना आपको हानि दे सकती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तुला राशि के जो जातक हैं, आज आनंद फानन में जल्दबाजी में आप अपने कोई कार्य को बिगाड़ सकते हैं। कारण यह कि केतु का प्रभाव आपके जीवन पर सीधा विचलित अवस्था को पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही आप अपने गुरु का अपमान कर सकते हैं, आप देवज्ञ प्रवृत्ति से परे हो सकते हैं, उसके प्रति आप में उचाट पैदा हो सकता है, और अधर्मिता के कारण आप कुछ कार्य ऐसे कर बैठेंगे जिससे मान सम्मान की कमी होने का भय बनता हुआ दिखाई देता है। तुला राशि के जातक को चाहिए कि सप्ताह में प्रतिदिन प्रातःकाल जब सोके उठे, इन समस्त विकारों से बचने के लिए विशेष रूप से ध्यान करें, और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करेंगे तो इससे आप बच सकते हैं। दाम्पत्य का जहाँ तक प्रश्न है, आपको आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन संगिनी या जीवन का साथी जो है वह कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे। उस मार्ग का यदि आप अनुपालन करते हैं तो आपको लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे और जीवन में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। हो सकता है कि महिला या पुरुष की परस्पर एक दूसरे को दी गई राय व्यापार के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में अनुत्तम लाभ प्रदान करें। यदि आप रोजगार में नौकरी करते हैं, बड़े प्रसन्नता का विषय है कि यह सप्ताह आपको उन्नति का योग प्राप्त होगा, उन्नति कारक योग प्राप्त होगा और प्रमोशन भी हो सकता है। यहाँ पर एक शब्द बोलना चाहेंगे, प्रमोशन का अर्थ केवल उन्नति कारक नहीं हो, उन्नति से न जुड़े, क्योंकि उन्नति अन्य क्षेत्र में भी हो सकती है। आप भूमि भवन कृषि योग्य भूमि या वाहन आदि भी आप क्रय कर सकते हैं, इसकी योजना बना सकते हैं, यह भी उन्नति कारक योग माना जा सकता है, और इस प्रकार से आपको सफलताएं रोजगार के क्षेत्र से अदम्य प्रयासों से प्राप्त होंगी। संतान का भी आपको जो है विशेष ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपना यह सप्ताह जो है अनुकूलता के साथ में व्यतीत करेंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके साथ जो बैठा है, जो आपके साथ में कार्य करता है, जिस पर आप विश्वास करते हो, जो आपके बीच का है, विश्वास में धोखा हो सकता है, अर्थात विष में वास हो सकता है। विश्वास में वास विष का जब हो जाता है तो धोखा होता है, धोखा होने की संभावनाएं बन सकती है। यदि आपके पास विपुल धनराशि हो या कहीं आप आवागमन या व्यापार के क्षेत्र में धन को लेकर कहीं चलते या फिरते हैं तो ध्यान रखें उस विपुल धनराशि को अपने पास ही रखें, रकम किसी दूसरे के हाथ में देकर ना छोड़ दें, अन्यथा धोखा हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना है आपको जी। इसी के बाद में विशेष रूप से आपको अपने दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। आपके घर में कोई उत्सव का वातावरण बनेगा, धार्मिक उत्सव सामाजिक उत्सव हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कोरोना का काल चल रहा है, अधिक भीड़ ना पैदा करें, क्योंकि उत्साह जो आपका उमंग है जब वो बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इतना भी खुश ना हो कि आपकी उस खुशी को नजर लग जाए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन का जहाँ तक प्रश्न है, आप पति और पत्नी दोनों मिलकर कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं
और धार्मिक आयोजनों का आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। संतानों का पक्ष यदि देखें तो संतान भी आपके धार्मिक और सामाजिक कृत्यों में आपको सहयोग प्रदान करेंगे। रोजगार और व्यापार का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में सामान्य रहेगा, क्योंकि आप उत्सव आदि में पूरा सप्ताह व्यतीत करेंगे, कार्य के प्रति आपका ध्यान कम रहेगा, इसलिए सामान्य फलों की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, अब मैं आपसे अंतिम चार राशियों का हाल जानना चाहूंगी। धनुराशि के जो जातक हैं उन्हें अपने जीवन में आने वाले समस्त कार्यों को करने हेतु सजग होकर कदम उठाने होंगे और उनके सजग होकर उठाए गए कदम उन्हें लाभ की प्राप्ति कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि हम देखें तो आपको मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे और लाभान्वित होंगे। संतान का क्षेत्र जो है वह आपको विशेष रूप से प्रसन्नता देने वाला होगा। संतान जो है वह अपने किसी कार्य क्षेत्र में सफलता का संदेश आपको प्रदान करेंगे। रोजगार आदि के क्षेत्र में आपको विपुल लाभ और सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मकर राशि के जो जातक हैं उनका शत्रुता का भाव प्रबल रहेगा। शत्रुओं से विवाद होने की संभावना है। मारपीट झगड़ा आदि होने से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पति और पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में तनाव सा बना रहेगा। विवाद का कारण पति और पत्नी के अहम का पैदा होना, इसलिए ध्यान रखिए अपने अहम पर नियंत्रण रखें। आपका दाम्पत्य आपको प्रसन्नता देने वाला ही होगा। इसके अलावा संतान के क्षेत्र में यदि आप देखें तो आपकी संतान का आपके बिछोह होने की संभावनाएं बनती है। कहीं संतान परदेश भी जा सकती है, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। रोजगार के क्षेत्र में भी सामान्य फल की आपको प्राप्तियां होगी। कुंभ राशि के जो जातक हैं आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव है विशेष रूप से परेशानी देने वाला है। कहीं ना कहीं दुर्घटना होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुर्घटना केवल वाहन से गति से हो ऐसा जरूरी नहीं है। गति और मति को आप संतुलित करके रखें। ध्यान रखें संतुलित संचारण करने की वजह से बुद्धि के आप इस दुर्घटना से बच सकते हैं। कहीं भी खड़े रहें तो सावधानी पूर्वक रहें, आपको आके वाहन भी टक्कर मार सकता है या ऊपर से पत्थर आदि गिरकर भी आपके सिर पर चोट लग सकती है, आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में आपकी पत्नी या पति एक दूसरे के प्रति बहुत चिंतित रहेंगे, क्योंकि समय काल ठीक नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में सामना करना है, उसे बचने के लिए भगवान शिव की आप निरंतर आराधन साधना करते रहें, यह आपके लिए हितकर होगा। संतान के क्षेत्र में यदि हम देखें तो संतान के द्वारा जो है आपके प्रति कर्तव्य निष्ठा की अभाव रहेगा। निष्ठा के अभाव को जानकर आपके मन में दुख भी उत्पन्न होगा। रोजगार के क्षेत्र में आपको जो है क्रमशः कार्य करते करते जितना कार्य करेंगे उतना फल प्राप्त होगा। अतिरिक्त कार्य करने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि के जातक ध्यान रखें, सप्ताह आपके लिए बड़ी खुशियां लेकर आया है, लेकिन इन खुशियों के बीच में कुछ दुखद समाचार भी उत्पन्न होंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए अपने जीवन में जीने की शैली को नियंत्रित और संयमित करके चलेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य के क्षेत्र में यदि देखें तो पति और पत्नी के बीच में सुमधुर संबंध बनेंगे। सुमधुर संबंधों के कारण कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष से आए हुए रिश्तेदारों का आप स्वागत सत्कार करने में सप्ताह व्यतीत करेंगे। संतान के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो संतान आपको अनेकों प्रकार के जो है उपहार आदि दे सकती है। संभवतः आपके जीवन में आपका जन्मदिन हो या कोई शादी की सालगिरह या ऐसा कोई अवसर होगा जिसमें संतान आपको जो है उपहार देगी और उससे आपके मन में प्रसन्नता होगी। व्यापार रोजगार के क्षेत्र में आपको अनेकों प्रकार की सफलता प्राप्त होने की संभावना है और सोना और चांदी खरीदने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी धन्यवाद पंडित जी तमाम चर्चा के लिए। धन्यवाद पंडित जी ने सावन मास के महत्व के साथ ही हमें सप्ताह का हाल बताया। पंडित जी ने कई तरह के उपाय बताए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।